जनतेचं न्यायालय सर्वोच्च, बांगलादेशमध्ये तेच आज होत आहे तो इशारा सर्वांसाठी. उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. आज 7 जुलै दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी बांगलादेशमधील परिस्थितीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर खोचक शब्दात टीका केली. अमित शहा आणि पीएम मोदी मणिपूरला जाऊ शकले नाहीत, ते बांगलादेशला जाणार असेल तर त्यांनी जावं. आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने रशिया युक्रेन युद्ध थांबवलं होतं म्हणत होते, त्या पद्धतीने बांगलादेश युद्धसुद्धा थांबवावं अशी टिप्पणी केली. बांगलादेशमध्ये आज जे काही घडत आहे ती सर्वसामान्य माणसाची प्रतिक्रिया असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे की आज पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंकेमध्ये जी स्थिती झाली आहे त्यावरून एकच गोष्ट लक्षात येते की जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. इस्रायलमध्ये सुद्धा हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते, त्यावेळी पंतप्रधानांना घरातून बाहेर पडणं अशक्य झालं होतं. ते म्हणाले की अशी परिस्थिती आपल्याकडे येऊ नये. बांगलादेशमध्ये आज जे काही घडलं आहे तो इशारा आपल्या सगळ्यांसाठी असून जनतेचं न्यायालय हे सर्वोच्च असल्याचं ठाकरे म्हणालेत. कोणी स्वतःला देवापेक्षा मोठं मानू नये असा अप्रत्यक्ष टोला त्यांनी मोदी यांना लगावलाय. मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत देवानेच मला पाठवल्याचं वक्तव्य केलं होतं. मैंने जैसे अभी अभी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है. तो मणिपुर तो नहीं जा रहे, तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए, अन्यथा वहां जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहां के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, हिंदुस्तान सरकार का काम है. इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है. बांग्लादेश में जो कुछ घटना हुई है उसका उन्हीं की भाषा में मतलब ये एक रहते दो तीन शब्द है, एक नरेटिव होता है, एक मैसेज होता है, तो वो मैसेज पूरे दुनिया में गया है. और जैसे इसराइल में कुछ हो रहा है, ऐसे बीच में बातें खबरें आ रही थी, वहाँ के प्रधानमंत्री को तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हुआ था, भारी संख्या में वहाँ की जनता रस्ते पर सड़क पर उतर कर आई थी. लंका में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है, उसके एक सहनशीलता की मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए. और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है, तो जनता का न्यायालय का फैसला बांग्लादेश में हुआ है. ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी, मुंबई.